हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट सीरीज। आज हम बात करेंगे उन 7 स्कीम्स की जो हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में सब्स्यूम करी थी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ऑनगोइंग स्कीम्स और कुछ नई स्कीम्स को सब्स्यूम करा था। तो उन ऑनगोइंग और न्यू स्कीम्स में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या उनके क्या फीचर्स हैं, आज हम उन स्कीम्स की बात करेंगे। तो उसमें से जो पहली स्कीम है, दैट इज मेगा फूड पार्क स्कीम। तो ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ही एक सब पार्ट है। अब इसका एम क्या है मेगा फूड पार्क का, दैट इट एम्स एट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म to link agricultural production to the market। ठीक है, these are the basic objectives of your mega food park scheme। अब देखो, जो इसमें हमने बात करी एम की, मैकेनिज्म टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मार्केट, जैसे हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वाली वीडियो में भी बात करी थी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने के लिए फार्म गेट से लेके रिटेल तक जो फार्मर्स को दिक्कत आती है, उस दिक्कत को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ये स्कीम्स बनाई। तो मेगा फूड पार्क क्या है कि जो किसान ने क्रॉप को हार्वेस्ट करा, उस क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप को स्टोर कहाँ करना है, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, उसको आपको एग्रो इंडस्ट्री में कैसे लेके आना है, वो आपका मेगा फूड पार्क्स है। ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे ये आपने लिखा हुआ है कि डेयरी, फिशरीज़, इन सब का कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करना, दैट इज़ योर एम ऑफ मेगा फूड पार्क स्कीम। ठीक है, अब देखो, अगर मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट डेवलप कर लेता है, तो उस मेगा फूड पार्क से डेवलप करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट और हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, जैसे हमने कल बात करी थी कि रॉ एक्सपोर्ट है, रॉ एक्सपोर्ट से प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट भी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अब हम बात क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की, टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द कंट्री। ठीक है, एंश्योर वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग डेयरी एंड फिशरीज, एस्टेब्लिश अ सस्टेनेबल रॉ मटेरियल सप्लाई चेन फॉर ईच क्लस्टर, फैसिलिटेट इंडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, address needs of small and micro food processing enterprising by providing plug and play facilities, and last is provide an institutional mechanism for producers, processors and retailers to work together to build a supply chain। ठीक है, तो ये जो objectives हैं mega food park scheme के, ये बात कर रहे हैं, जब हमने बात करी infrastructure improvement की बात कर रहे हैं, capacity building की बात कर रहे हैं, retailer, farmer, प्रोसेसर, प्रोड्यूसर, इन सबको इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर सप्लाई चेन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ताकि जो लॉस है वो मिनिमल हो और फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर को जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो। ये बेसिक आइडिया है आपका मेगा फूड पार्क स्कीम का, कि एग्रो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर अप्रोच बना के, कि जैसे आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसी हिसाब से मेगा फूड पार्क की डेवलपमेंट की बात की गई है। एट प्रेजेंट 12 मेगा फूड पार्क, ठीक है, एट प्रेजेंट 12 मेगा फूड पार्क फंक्शन कर रहे हैं हिंदुस्तान में, राइट। फीचर्स क्या है मेगा फूड पार्क स्कीम के, कि इट इज़ अ इम्प्लीमेंटेड बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल विच इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। देखो, स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो बनाई जाती है फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम, कि जितना भी फंड आएगा वो स्पेशल पर्पज व्हीकल में डाल दिया जाएगा, स्कीम के लिए जितने भी रूल्स बनाने, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएगा, और ये स्पेशल पर्पज व्हीकल फंक्शन करता है सिर्फ और सिर्फ मेगा फूड पार्क स्कीम के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी स्पेशल पर्पज व्हीकल डेवलप किया जाता है, तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन करता है उसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, और जब वो स्कीम फंक्शन करना बंद कर देती है तो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है वो खत्म कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल, स्पेशली दैट इज फंक्शनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, राइट। नेक्स्ट फीचर इज, इट इज बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच एंड एनविसेजेस क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेल डिफाइंड एग्री हॉर्टिकल्चर जोन फॉर सेटिंग अप मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन। ठीक है, वही हमने बात करी, क्लस्टर अप्रोच जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज को, फूड प्रोसेसिंग को बेनिफिट करने के लिए। ठीक है, वही बात, सप्लाई चेन मैकेनिज्म को इंक्रीज या बेनिफिट करना है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और कलेक्शन सेंटर्स बनाने, ताकि जो लॉस है वो मिनिमल हो। इसके बाद जो दूसरी स्कीम थी, सब्स्यूम करी थी, दैट इज स्कीम फॉर कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कोल्ड चेन क्या है, कि जो किसान की
फसल होती है या क्रॉप होता है उसकी प्रेजर्वेशन के लिए अब किसानों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, राइट, कि वो सारी फसल को लोड करता है फिर आगे जाता है दूसरे किसी जगह जाता है जहाँ पे कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उस कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट तक या किसान तक लेके आना, ये गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, दैट इज़ फ्रॉम फार्म गेट टू कंज्यूमर, जो फसल है वो पहुँचाने के लिए विदाउट एनी ब्रेक कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बनाने की बात करी है गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करी है गवर्नमेंट ने अंडर द स्कीम फॉर कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब देखो जितने भी ये सारी स्कीम्स हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम इन्वॉल्व किसे कर रही है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट किसी है, प्राइवेट सेक्टर की फंड्स की, ठीक है। गवर्नमेंट, जैसे हमने कल भी बात करी थी, गवर्नमेंट मैनेजरियल रोल प्ले कर रहा है इन सारी स्कीम्स में, ठीक है। अब इसमें क्या, टू एम्स टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन दस प्रोवाइडिंग एफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज से लेके फार्म गेट तक से लेके आपकी रिटेल तक पहुँचाना, ये एक आपका कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का एक बेसिक एम है कि कोई ब्रेक ना हो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में। नेक्स्ट स्कीम इज क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉरी एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रेजर्वेशन कैपेसिटीज एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स विद अ व्यू टू इंक्रीज लेवल प्लेइंग लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। वही कि वेस्ट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट ने प्रेजर्वेशन कैपेसिटीज, वही कोल्ड चेन कैपेसिटीज टाइप और प्रोसेसिंग कैपेसिटीज। देखो ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये सारी की सारी टारगेट कर रही हैं आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, कि एग्रीकल्चर वेस्ट को रिड्यूस करना है और अलाइड एक्टिविटीज़ और एग्रो इंडस्ट्रीज़ को एनहेंस करना है। अगर एग्रो इंडस्ट्रीज़ एनहेंस होती हैं, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होंगे, एक तो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होगी, जो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम इज एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन फैसिलिटीज टू इनकरेज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच बाय लिंकिंग ग्रुप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स फार्मर्स टू द प्रोसेसर्स एंड मार्केट्स थ्रू अ वेल इक्विप्ड सप्लाई चेन विद अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप सबको बताइए क्लस्टर अप्रोच क्या होती है, राइट। तो ये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ करके एक क्लस्टर अप्रोच के थ्रू गवर्नमेंट बात कर रही है। जैसे हमने बात करी सप्लाई चेन मैकेनिज्म की, मेगा फूड पार्क्स की, आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे ही एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एक साथ हुए क्लस्टर अप्रोच के साथ आपके प्रोड्यूसर से लेके प्रोसेसर से लेके मार्केट्स तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में। एंड लास्ट स्कीम इज स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। देखो हर प्रोसेस में कुछ फॉरवर्ड लिंकेजेस होती हैं, कुछ बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है, बैकवर्ड क्या है कि अगर किसान तक पहुंचना है, ठीक है, तो किसान को फसल उगाने के लिए सबसे पहले उसकी बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि सीड मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी सीड सप्लाई हो। हेल्दी सीड सप्लाई होने के बाद उसको जो पेस्टिसाइड्स चाहिए या फिर उसको जो फर्टिलाइजर्स चाहिए वो एडिक्वेटली सप्लाई किए जाएं, उसके बाद किसान ने फसल उगाई। उसके बाद जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि किसान की फसल की कटाई के बाद, हार्वेस्ट के बाद उसकी रीच कितनी है मार्केट तक, बीच में आपका कोल्ड चेन वैल्यू भी आता है हमने बात करी, कोल्ड चेन के बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है वो भी हमने बात करी, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका मार्केट तक बात आती है, दैट इज़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब जो गैप्स हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में, उन गैप्स को रिड्यूस करके अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके एंड तक किसान से प्री हार्वेस्ट, प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट से लेके मार्केट तक जो गैप्स हैं उन सबको रिड्यूस करके प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स बना के ये स्कीम बात कर रही है, सो दैट द फार्मर्स कैन गेट द बेनिफिट, राइट। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर।